घर में जब एक जरिया दुकान या बिजनेस ही हो और वो अचानक से रुक जाए, थम जाए, बंद हो जाए तो घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा गया है, ना किसी की बुराई लो और ना किसी की ज्यादा भलाई लो। ऐसा ही हुआ इस बिरयानी वाले के साथ भी। रहीम बिरयानी वाले की दुकान, रहीम को अपनी दुकान के लिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ा और चलती हुई दुकान को न जाने किसकी नजर लग गई। चलिए जानते हैं वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय भोलेनाथ, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियां। ऐसे किस्से और कहानियां जो मुझ तक आप सभी लोग पहुंचाते हैं और मैं अपनी आवाज में आप तक पहुंचाता हूँ। रहीम बिरयानी वाला। अब रहीम बिरयानी वाले की मार्केट में दुकान करीब 30 सालों से है। पहले रहीम के फादर और अब रहीम इस दुकान को इस तरह से संभालते हैं जैसे ये दुकान नहीं उनके घर का एक सदस्य हो। इस दुकान में हर साल रहीम और उसके पापा अपने त्योहार के समय पे या फिर कुछ खुशी होती है उसके समय पे इस दुकान को भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि ये इनके परिवार का ही सदस्य हो। लेकिन रहीम के जस्ट सामने ही एक और दुकान है, वो भी बिरयानी की ही है। लेकिन ये दुकान इतनी नहीं चलती जितनी रहीम की दुकान चलती है। रहीम बिरयानी वाले का नाम उस मार्केट में ही नहीं बल्कि और दूसरी मार्केटों में भी है। रहीम को बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आते हैं। रहीम के पिताजी के हाथों में मानो जादू था और वो अपने मसालों का राज किसी को नहीं बताते थे। जो सामने वाली दुकान थी उसका जो मालिक था वो कुछ विद्याएं जानता था जिसकी वजह से वो रहीम को काफी बार कह चुका था कि हम दोनों मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी तुम्हारे मसालों के राज हैं, जो भी तुम्हें पता है मुझे बता दो और हम दोनों मिलकर काम करेंगे, अच्छी कमाई होगी। क्यों, मैं भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिनको जानता हूँ और तुम्हारे भी पास अच्छे हैं कॉन्टैक्ट, तो हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। लेकिन रहीम हर बार उसको मना कर दिया करता था। रहीम को ये पता था कि मैं अकेला भी इस दुकान को अच्छे से चला सकता हूँ और रहीम उस दुकान को अच्छे से चला भी रहा था। लेकिन जब होनी होती है ना तो वो 7 ताले के अंदर भी आपको ढूंढ लेती है। होनी एक ऐसी विद्या मान लो, नजर मान लो, या किसी का जादू टोना मान लो, साया मान लो, प्रेत भूत कुछ भी हो सकता है। जब वो आपके आगे सामने आके खड़ा हो जाता है ना तो जिंदगी में से उससे पीछा छुड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब रहीम अपनी दुकान में रहता है और अपनी दुकान को संभालता है। उसके ऑफर्स काफी बार ठुकरा देता है क्योंकि रहीम जानता है कि मैं जब तक इस दुकान पे बैठा हूँ इस दुकान को चलने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों, रहीम ने अपनी ऐसी पोजीशन, अपने ऐसा स्वाद और अपनी ऐसी इमेज बना रखी थी कि रहीम बिरयानी वाले का नाम सुनते ही लोगों को भरोसा हो जाता था कि बिरयानी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं मिल सकता। जो सामने दुकान वाला था वो इस बात को काफी सालों से नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस बिरयानी वाले को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। मेन मार्केट में दुकान का किराया बहुत ज्यादा होता है और दुकान जब ही किराए पे लेके चला सकते हैं जब आपकी दुकान काफी ज्यादा ठीक ठाक चल रही हो, इंक्लूड बिजली का बिल, पानी का बिल, साथ साथ ही दुकान का किराया भी और आपका जेब खर्च भी बचना, जो सामान आप उस दुकान के अंदर परचेज कर रहे हैं उसका भी पैसा बचना, साथ ही आपकी आमदनी भी आपके पास सेव होनी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रहीम के जो दुकान के सामने दुकान थी उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी।
ना जाने वो क्यों इस दुकान को बंद होने की वजह रहीम को मार रहा था। उसके मन में ये था कि रहीम अगर मेरे साथ बिजनेस में साथ देता तो शायद रहीम भी यहाँ से आगे बढ़ चुका होता और मेरी दुकान भी अभी तक सही सलामत बची रहती। अब काफ़ी दिन बीत गए, रहीम की दुकान पे ये आना जाना भी करने लगा। रहीम इसको उसी तरह से ट्रीट करता था जैसे सभी कस्टमरों को करता था, लेकिन इसके मन में कुछ काला था। मन में काला समझते हैं, समझाऊं मैं, मानो मन में इसके कुछ मैल था, ये रहीम से खुश नहीं था। आसान शब्दों में रहीम से जलता था ये कि रहीम की दुकान इतनी अच्छी और मेरी दुकान इतनी, समझ गए होंगे, खराब कैसे चल रही है। एक दिन इसने अपनी किताब उठाई, मैंने आपको पहले बताया था ये कुछ विद्याएं जानता था, उसने अपनी किताब उठाई और एक मिठाई के अंदर कुछ पढ़ के रहीम की दुकान पर ले गया। रहीम की दुकान पे जाकर रहीम को मिठाई का डब्बा खोलकर उस मिठाई के डब्बे में एक ही पीस बचा था और सीधा रहीम के पास जाकर कहता है कि मैंने दूसरी मार्केट में एक नई दुकान खोली है जिसकी ओपनिंग है, तुम्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तुम भी अपना मुँह मीठा करो। रहीम के मन में जरा सा भी ये शंका नहीं थी कि मेरे साथ ये भी हो सकता है। रहीम को मिठाई देता है वो दुकानदार और रहीम उठाकर खाते हुए उसे बधाई देता है नई दुकान के लिए। लेकिन रहीम को नहीं पता था कि अब खेल पलटने वाला है। रहीम शाम होती है अपने घर जाता है तो रहीम के पास एक मोटरसाइकिल थी जिसे रहीम आना जाना किया करता था। रहीम को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उसी शाम जब वो घर जा रहा था तो बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। रहीम घर पहुंचता है, रहीम रोजाना अपने घर जाने के बाद हाथ मुंह धोकर पैर हाथ धोकर खाने पे बैठकर खाना खाकर अपने कमरे में जाता था, लेकिन उस दिन रहीम जाते ही सीधा अपने कमरे के अंदर चला गया और कमरे में जाकर लेट गया। अब रहीम की वाइफ रहीम से पूछती है कि क्या हुआ, आज आप अचानक से आके कमरे में कैसे लेट गए। रहीम कहता है कि कुछ तबीयत सी ठीक नहीं लग रही है, मुझे यहीं खाना ला दो, मैं खाकर सो जाता हूँ और सुबह उठकर दुकान पे जाना है, कॉन्ट्रैक्ट आया है उसे पूरा करना है। रहीम की वाइफ उसे वहीं खाना लाकर दे देती है और रहीम खाकर बेड पे सो जाता है। रात के समय पे कहा जाता है इन शक्तियों की ताकत और इन शक्तियों का वजूद बढ़ जाता है। ये शक्तियाँ इंसान को ज़्यादातर रात को ही महसूस कराती है कि मैं हूँ तुम्हारे आसपास, अपने होने का वजूद ये रात को ही देती हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है दिन में नहीं देंगी, लेकिन रात को ज़्यादातर देती हैं। अब रहीम को महसूस हुआ रात को कि कमरे में कोई है जिसकी आवाज़ उसे लगातार आ रही है, लेकिन रहीम ने इसको अनदेखा करते हुए अपना मन समझाते हुए ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ और अपनी नींद में खो गया। सुबह रहीम रोजाना की तरह उठता है, घर से अपना सामान उठाता है और दुकान पर पहुंच जाता है। आज जो कल रहीम को कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, वो आज दुकान पे जाने के बाद रहीम को पता चलता है कि वो कैंसिल हो गया है। रहीम समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि रहीम के पास जो कॉन्ट्रैक्ट आया था वो करीब 15 साल से सिर्फ रहीम की ही बिरयानी लिया करता था। अचानक से रहीम को ये बात जानकर
अचंभा हुआ। परे इसको आसान शब्दों में मैं बताऊं तो आपको, रहीम इस बात को सुनकर परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जो मुझसे पिछले 10 सालों से बिरयानी ले रहा है वो अचानक से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैसे कैंसिल कर सकता है। रहीम इस बात को लेकर सीरियस था, क्योंकि रहीम ऐसा दुकानदार था, एक ऐसा आदमी था जिसको सारी बातों की तह तक जाना मानो अच्छा लगता था, या उसकी तह तक जाने में रहीम के मन को संतुष्टि मिलती थी। अब रहीम के पीठ में काफ़ी दर्द है। रहीम पहले जैसे अपना शरीर तान कर चला करता था, अब रहीम अपनी पीठ को झुका कर चल रहा है। रहीम के दुकान पे काम करने वाले सभी लड़के रहीम को देखकर परेशान है कि हमारे मालिक को ये अचानक क्या हो गया। रहीम के साथ ज़्यादा समय नहीं लगा ये बात सामने आने में कि उसके ऊपर कुछ है। रहीम को उसी शाम को ये पता चल जाता है कि मुझे शायद किसी बुरी शक्ति ने या किसी बुरे साए ने अपनी झपेट में ले लिया है। जी हाँ, रहीम जिस तरह से अपने घर जाता था मोटर बाइक से, रहीम रोजाना की तरह आज भी उसी मोटर बाइक से घर जा रहा था। रहीम को अपनी बाइक के पीछे से आवाज आती है, अभी मैं दिखाऊं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का नतीजा। रहीम पीछे पलटकर देखता है, बैलेंस बिगड़ता है और रहीम जमीन पर गिर जाता है। रहीम घर जाकर ये बात घर वालों को बताता है और घर वाले भी परेशान थे। अगले ही दिन रहीम मस्जिद में जाकर मौलाना से, जो मस्जिद में मौलाना होता है, उससे झाड़ा लगवाता है और उनको अपनी सारी परेशानियां बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। मौलाना से झाड़ा लगवाने के बाद रहीम को अच्छा तो लगता है, लेकिन रहीम को ये भी पता था कि मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूं। रहीम जब घर में होता है तो अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सभी घर वाले इकट्ठे होते हैं और रहीम से पूछते हैं क्या हुआ। रहीम कहता है कि कोई है दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ और मुझे अपने साथ ले जाने की कह रहा है। अब घर वाले इस बात से अलग से परेशान थे कि रहीम को अचानक से कौन दिखने लगा है और कौन रहीम को ले जाने की कोशिश कर रहा है। रहीम के साथ ऐसी ही घटनाएं काफी दिनों तक बीतती रहती हैं। रहीम को कई मौलानाओं के पास, कई मस्जिदों में, कई हफीजियों के पास ले जाया जाता है और झाड़ा लगवाया जाता है, कई पानी फूके हुए उसको पिलाए जाते हैं, लेकिन रहीम की हालत में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब रहीम को ये पक्का हो गया था कि जो चीज़ मेरे साथ है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। रहीम अब परेशान तो था ही, साथ में रहीम को अपने घर चलाने के लिए दुकान पे भी जाना जरूरी हो गया था। अब रहीम जब दुकान पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दुकान अब बिल्कुल ही चलना बंद हो चुकी है। रहीम को ये दुख उससे भी बड़ा लग रहा था जो दुख रहीम के ऊपर सवार था, क्योंकि रहीम के घर में ये एक ही जरिया था जिसकी वजह से रहीम का पूरा परिवार अपनी रोजी रोटी, अपना खान पान, अपना घर की व्यवस्था संभालते थे। अब रहीम दुखी दुकान में बैठा हुआ है, तभी सामने से एक फकीर चलता हुआ आता है।
फकीर मानो मार्केटों में घूमते हैं, फकीरों के चोले में जो दुकान दुकान जाकर भगवान के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। वो फकीर अचानक से किसी दुकान पे बिना रुके हुए रहीम की दुकान पर ही आकर रुक जाता है और रहीम से कहता है कि बेटा दुखी हो दुकान को लेकर। रहीम अपनी नजरें उठाकर मौलाना की तरफ देखकर भावुक होकर रोने लगता है, मानो उसके सामने मौलाना नहीं कोई उसका दुख सुनने के लिए ऊपर से उनका खुदा ही उतर कर आ गया है। मौलाना को रहीम सारा अपना दुख बता देता है और मौलाना रहीम का दुख सुनकर रहीम को बताता है कि तुम्हारे साथ ये जो चीज है वो कहीं बाहर से नहीं लगी, तुम्हें किसी ने ये चीज दी है और जब तुम्हारे साथ ये चीज लगी है। रहीम अब ये जानने की कोशिश में है कि मेरे साथ ऐसा किसने किया, आखिर मेरी दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है और मैं ना किसी का बुरा करता हूँ ना किसी का बुरा सोचता हूँ, तो मेरा इतना बुरा सोचने वाला आखिर है कौन। रहीम दुखी है, साथ ही साथ उन फकीर बाबा से ये भी पूछता है कि इसका कोई इलाज। फकीर बाबा रहीम को कहता है दो लौंग एक नींबू है बतासे और कुछ और सामग्री दुकान से ले आओ। रहीम बिना कोई देरी करते हुए वो सामग्री फकीर को लाकर दे देता। अब फकीरों को इतनी नॉलेज शायद ही होती है कि वो किसी का उतारा कर सके, लेकिन रहीम को ना जाने क्यों उस फकीर पे इतना विश्वास था कि ये मेरा परेशानी का सारा हल ख़त्म कर देगा। अब फकीर के हाथ में वो सारी चीज़ें आती है और वो अपनी तंत्र विद्याओं से जो भी उसे पता था शुरू कर देता है रहीम का उतारा करना। रहीम का जब वो उतारा करता है ना तो रहीम को उल्टी आती है और रहीम के अंदर से काले रंग का करीब इतना बड़ा धागा निकलता है। जी हाँ, धागा रहीम के शरीर के अंदर से इतना बड़ा। वो फकीर उस धागे को उठाता है और कहता है कि इसे शमशान घाट के अंदर रात के समय पे दफना के आना पड़ेगा, अभी खेल बाकी है। रहीम उसे दफनाने के लिए रात के 12 बजे शमशान घाट की ओर चल देता है। रहीम शमशान घाट की ओर पैदल ही जाता है और शमशान घाट उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मानो 1 से 1.5 किलोमीटर। अब रहीम को पैदल ही जाना था और रहीम को ये पता था कि पैदल मैं वहाँ तक जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन ना जाने क्यों रहीम चलते चलते अचानक से रुक जाता है, मानो उसे किसी ने रोक दिया हो और रहीम अपनी दिशा बदलने की कोशिश करता है। वो फकीर दोबारा से रहीम के सामने खड़ा था। रहीम को कहता है कि रहीम तुम्हारा रास्ता वो नहीं है जहां तुम जा रहे हो। मानो वो फकीर खुदा के रूप में रहीम के पास आया था। रहीम ने जब मुझे यह बात बताई तो उसने कहा कि मुझे ये लगता है कि वो केवल एक मनुष्य नहीं था, एक फकीर नहीं था, बल्कि उसके अंदर मुझे बचाने की एक ऐसी इच्छा जागृत थी कि मानो उसे केवल मेरे लिए ही इस धरती पर भेजा हो। रहीम जाकर उस शमशान घाट में उस धागे को दफना देता है और रहीम दोबारा से उसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है जिस तरह से कुछ महीने कुछ दिन कुछ हफ्तों पहले जिया करता था। अब रहीम बिल्कुल ठीक है और उसकी दुकान दोबारा से उसी तरह से चलती है जिस तरह से पहले चला करती थी।
मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और ना मानो तो तुम्हारे सामने अगर भगवान आ जाए तभी भी तुम उसे एक इंसान के रूप में ही देखोगे। खैर, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे यह ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है, ताकि मैं आपके पास अपनी और कहानियाँ पहुँचा पाऊँ। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।